बिहार विधानसभा चुनाव जीतने के बाद दिल्ली में बीजेपी कार्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। साथ ही पीएम ने महागठबंधन की हार पर विपक्ष की चुटकी भी ली। भाजपा के कार्यकर्ता नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए के कार्यकर्ता हर बिहारवासी के साथ इस संकल्प को सिद्ध करने में कोई कसर बाकी नहीं रखेंगे। और साथियों, मैं कल से टीवी पर देख रहा हूं, अखबारों में चर्चा है साइलेंट वोटर। अब उनकी गूंज सुनाने लगी है। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की जीत के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पहली प्रतिक्रिया दी। साथ ही नीतीश ने बिहार की जनता का धन्यवाद किया। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने किया प्रेस कॉन्फ्रेंस। नीतीश कुमार और बीजेपी पर तेजस्वी यादव जमकर बरसे। नीतीश कुमार जी, साफ तौर पे ये समझ लें, भाजपा के लोग साफ तौर पे ये समझ लें, ये जो जनादेश है ये बदलाव का जनादेश है। अगर थोड़ी सी भी अंतरात्मा नैतिकता नीतीश कुमार जी में बची होगी तो ये जो कुर्सी पर बैठने का जो शौक है, जोर तोड़ भाग गुना करके जो बैठने का शौक है, कहीं ना कहीं से उनको जनता के इस फैसले का सम्मान करते हुए कुर्सी से हट जाना चाहिए। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद चुनाव आयोग पर हमला बोला। कहा, चुनाव आयोग का नतीजा एनडीए के पक्ष में है और जनता का नतीजा महागठबंधन के पक्ष में। आप सब लोग जानते हैं कि चुनाव का फैसला आया है, जनता ने अपना फैसला सुनाया है और चुनाव आयोग ने अपना नतीजा सुनाया है। जनता का फैसला महागठबंधन के पक्ष में है, चुनाव आयोग का नतीजा एनडीए के पक्ष में। जमुई के झाझा में त्योहारों को लेकर पुलिस ने गश्ती तेज कर दी। वहीं प्रशासन ने शहर में शांति बनाए रखने की अपील भी की है। कैमूर में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। बता दें, पुलिस ने 21 पुड़िया स्मैक, चीलम लाइटर, नशीली दवा, 9000 कैश के साथ तीन आरोपियों को गिरफ्त में लिया है। तो वहीं जिले में स्मैक के सप्लायर के खोज में पुलिस अब भी जुटी हुई है। एक सूचना मिली थी कि कुछ अपराधी तत्व स्मैक बेच रहे हैं और पी रहे हैं। सूचना पर छापामारी की गई तो 6 व्यक्ति स्मैक के साथ पकड़े गए थे, जिसमें कई का आपराधिक इतिहास भी था। उनकी निशानदेही पर यह बताया कि मोहनिया से स्मैक लेकर आते हैं। तो सादे वर्दी में कुछ प्रशिक्षु दरोगा और कुछ पुलिसकर्मियों को भेजा गया था वहाँ। और ये वहाँ पर ये लोग का ये था मॉडल्स कि वहाँ पर पीपल गाछ के एक स्टेशन के बगल में वहाँ खड़े होते थे। ये जब खड़े हुए दो आदमी, तीन व्यक्ति आए और स्मैक की बात बोले कि कितना माल चाहिए, और उस पर तीनों की गिरफ्तारी हुई और स्मैक भी बरामद किया गया। बोधगया में गौ सेवा मठ में गायों को कई दिनों से नहीं मिल रहा है चारा। तो वहीं मठ के साधुओं के साथ असामाजिक तत्व कर रहे हैं मारपीट, जिसके चलते मठ में दहशत का माहौल है। यही है, चारा पानी तो पहले से चल रहा था, रविशंकर बाबू चला रहे थे, मंगवाते थे। अब अभी इन्हें 5-6 रोज से गौत कमल है, कोई वो है ये नहीं यहाँ। हम लोग हैं तो हम लोग कहाँ से दे सकते हैं इसको।